कोरोना के इस दौर में कई त्यौहार हैं जो बहुत ही जल्दी हम लोगों के बीच आएंगे, चाहे वो रामनवमी हो, रमजान हो या सरहुल। और इन सभी त्यौहारों को लेकर आज बेंगाबाद थाना परिसर में एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बेंगाबाद प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बेंगाबाद थाना प्रभारी के अलावे बेंगाबाद के कई जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। इस बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं, चूँकि कोरोना का काल चल रहा है और बेंगाबाद में भी कोरोना जबरदस्त तरीके से फैल रहा है और अब तक 23 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। बेंगाबाद में स्थिति चिंताजनक है। कोरोना को लेकर लगातार हम भी आपको अपडेट कर रहे हैं और कल भी हमने आपको बेंगाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाया था, जिसमें कई लोग अब भी लापरवाह नजर आते हैं, कई लोग मास्क लगाना जरूरी नहीं समझते। हालांकि कुछ लोग कोरोना को इस बार गंभीरता से ले रहे हैं, कई लोग मास्क लगाते हैं, बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो अब भी ये समझ रहे हैं कि कोरोना कुछ भी नहीं है। कोरोना इस बार बेहद ही खतरनाक है, इस बात को आपको समझना बेहद ज़रूरी है। ये कोरोना की दूसरी लहर है और इसके चपेट में जो भी लोग आ रहे हैं वो गंभीर अवस्था में भी जा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप कोरोना के नियमों का पालन करें, कोरोना से किस तरह से बचा जाए, तमाम वो एहतियात के कदम उठाएं जिससे आप कोरोना से बच सकें। आज शांति समिति की बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। कोरोना का दौर है और इस बीच त्यौहार भी हैं, तो त्यौहारों को किस तरह से मनाना है, चूँकि कोरोना का काल है तो हम सभी नियमों को देखकर ही इस बार त्यौहार मनाएं। बेंगाबाद प्रखंड विकास पदाधिकारी कयूम अंसारी, बेंगाबाद थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक कमलेश पासवान ने शांति समिति की बैठक में क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आज बेंगाबाद थाना में BDO साहब, CO साहब के उपस्थिति में गणमान्य व्यक्तियों के साथ, बेंगाबाद के गणमान्य व्यक्तियों के साथ शांति समिति की मीटिंग की गई। इस बैठक में COVID-19 का अनुपालन करना है और कराना भी है। और इस बार जो जहां तक जुलूस की बात है, जुलूस सांकेतिक है। पहले भी जिला स्तर से 144 पूरे जिला में लागू है, उसको अनुपालन कराना है और लोगों को जागृत कराने के लिए स्पेशली मुखिया जी और जनप्रतिनिधि के साथ बैठक की गई है कि अपने खुद अनुपालन करें और अनुपालन कराएं जनता को। देश में बढ़ती हुई संक्रमण को लेकर काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। बेंगाबाद में भी अभी 23 कोरोना संक्रमित देखने को मिला है, सुनने को मिला है। ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसी के मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपील, सारे जनता से अपील कर रहे हैं कि दूरी बना के रखें, मास्क पहने, लोगों को जागृत करें और यदि ऐसा हुई तो जो कानून 144 को तोड़ेंगे उसे विधि संबद्ध न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, आज थाना परिसर बेंगाबाद में शांति समिति के सदस्यों, यहाँ के गणमान्य प्रबुद्ध नागरिकों, थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी, विभिन्न मुखियागण के साथ शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक में आगामी सरहुल त्यौहार, रामनवमी त्यौहार, रमजान का त्यौहार और भी आने वाले त्यौहारों में कोरोना को देखते हुए जो प्रोटोकॉल है, उसका जो नियम है, उसका अनुपालन कराते हुए पर्व त्यौहार को मनाने से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गिरिडीह के उपायुक्त महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं,
उन चीज़ों के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे पहले है कि अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू है, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से ज़्यादा भीड़ एकत्रित ना हो, ये सूचना दी गई है। साथ ही आने वाले त्यौहार को लेकर के किसी प्रकार का जुलूस, मेला, ये सब का आयोजन निषेध है, इसकी सूचना दी गई है। साथ ही लोगों को घरों में रहने, कोरोना के जो नियम हैं, मास्क पहनने, सैनिटाइज करने, आपस की दूरी दो गज की दूरी बनाए रखते हुए अपने दिनचर्या को करना, ये सब बातें हम लोगों ने सभी को बताया कि अपने क्षेत्रों में ले जा कर के लोगों को बताएं। और आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार हम लोग यहाँ के जो नागरिक हैं, बाशिंदे हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि कोरोना का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हमारे प्रखंडों में भी लगभग 2 दर्जन के आसपास पॉजिटिव केसेस निकले हैं, जिसको हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर में भिजवाया है। कुछ लोग होम आइसोलेशन भी हो रहे हैं, जो शपथ पत्र दे करके 7 दिन का जो नियम कानून है उसका अनुपालन कर रहे हैं। मेरा आपके चैनल से ये अपील होगा कि लोग लापरवाह न बने, कोरोना के प्रति सजग रहें, बेवजह का भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, पर्व त्यौहार में घर में रह कर ही मनाएं, और अपने परिवार को कोरोना की बीमारी से जितना एहतियातन बरत सकें वो बरतें, ताकि हम लोग सब स्वस्थ रह सकें और इस प्रखंड के वासियों को सुरक्षित रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।